हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस को। और मैं कनाडा में एडमंटन में रहती हूँ और यहीं से मैं अपनी लाइफस्टाइल और यहाँ के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। सो अभी हम थे वॉलमार्ट में, जहाँ पे हम लोग ने ये प्रिटेंड और प्ले वाले जो ड्रेसेस अवेलेबल थे वो ट्राई किए थे और शार्क मुझे बाइट करने आ रही थी। और गाइस, शनै की डिमांड पे हम जा रहे थे सिल्वन लेक, उसको करना था वहाँ स्विमिंग। तो समर एंड होने को है तो हमने भी सोचा कि एक और सेकंड ट्रिप सिल्वन लेक की हो ही जाए। तो बस ये सुबह हम निकले सिल्वन लेक के लिए लाइक अराउंड 11 o'clock, और फिर हम ये जर्नी पे जा रहे थे कि हमने देखा कि कुछ बच्चे लेमनेड सेल कर रहे थे ऑन द वे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉट समर डे था और बच्चों के साथ कार में बैठे हुए कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ता है। तो इस वजह से हमने ली थी ये स्लेट ताकि वो लिखे, हम प्ले कर सके। और ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। रेड डियर जो सिटी है वहाँ पे है ये सिल्वन लेक वाली प्लेस। तो जैसे हम पहुँचे सिल्वन लेक और पानी दिखा तो एक्साइटेड हो गया था शनै। यहाँ पे ना बहुत सारे प्लेसेस मतलब गार्डन और शेड्स अवेलेबल है कि जहाँ पे आप अपना टेंट और सब कुछ लेके जा सकते हो और आप वो सब सेटअप करके वहाँ बैठ के सन बात कर सकते हो, बच्चे प्ले कर सकते हैं सैंड में वहाँ अंदर पानी में। तो ये हमने सारा सामान जो है वो निकाल लिया था कार में से। तो ये सारा टेंट का सामान जो है वो वॉलमार्ट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और सब लोग अपना अपना सारा जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो कैरी करके चलते हैं ताकि आगे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ही हॉट सनी डे पे आपको शेड चाहिए होता है। और ये हम ट्यूब लेके आए थे तो उसको हम कार में ही पंप लगा के अटैच करके उसको हम फिल कर रहे थे एयर से, ताकि शनै जब प्ले करेगा तो उसे ईजी रहेगा। कनाडा में सब लोग ना सब कुछ खुद से करने में बहुत बिलीव करते हैं, चाहे वो फर्नीचर मेकिंग हो या कोई भी घर की छोटी मोटी चीज़ें हो। और ये टेंट बनाना बनाना ये सब इंडिया में मैंने पहले कभी गोवा या कहीं और जो बीच वाले प्लेस है वहाँ ऐसा नहीं देखा कि लोग अपना अपना इतना सारा सामान लेके आ रहे हैं पूरी कार्ट भर के। सो हम गेट के अंदर गए और वहाँ पे ये जो जैसे आपको दिख रहा है शेड, वैसे हमने हमारा भी शेड बनाया। और ये है मेरी फ्रेंड मनीषा, जो वो भी अपनी वीडियोस ले रही थी। आसपास में दो और शेड्स थे और बीच में हमें परफेक्ट प्लेस मिल गई थी। फिर शनै को सबर नहीं हो रहा, बहुत ही काम और प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था, पानी में बहुत ही शैलो वाटर था, जैसे मैंने बोला कि अभी फॉल अप्रोचिंग है तो उस वजह से ये जो लास्ट के कुछ वीकेंड है उसे एंजॉय करना उस बहुत मजा आता है। सो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो हम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था वहाँ पे। और ये मैंने बीच वेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी फ्रॉक पहनी थी जो कवर्ड अप रखे क्योंकि सन टैनिंग ना हो। बीच वेयर में कितनी सुंदर लगती हो। ये प्लेग्राउंड आ गया, लंबी स्लाइड में जाता हूँ। मम्मी को तो बहुत डर लगता है लंबी स्लाइड से, मम्मी तो नहीं जाएगी, मम्मी छोटी वाली स्लाइड करेगी देखना। मम्मी को बोल रहा था कि लंबी स्लाइड में चलो। हेलो, सिल्वन लेक पड़ी जाइए। वैसे सिल्वियन लेक जो है वो प्लेस रेड डियर सिटी में है, तो वो एडमंटन से 2 hours की ड्राइव है और 2 hours में यहाँ आ सकते हैं। तो ये एक डे ट्रिप जैसा भी हो जाता है कि यहाँ आके आप वापस जाके घर भी जा सकते हैं। यहाँ पे हाँ, सारे फ्रेंड्स ने और सब ने बारी बारी शनै के साथ खेला, और बच्चों के साथ भले ही प्लेग्राउंड में हो लेकिन फिर भी अगर उनके साथ खेले तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आती है, राइट। फिर से ऐसे जाने का मन हो गया कि मम्मा मुझे फिर से लेक पे जाना है। तो वो फिर वो ये जो काई थी बहुत काई थी, पर फिर आगे जाके अच्छा क्लियर वाटर था तो उसमें ट्यूब में उसको नीरव लेके गए। जाओ ना, बस सारे जो इन्हें डालने थे।
पहली बार डैडी टेंट बनाया था और चेयर्स भी रखी थी। और ये क्या खाया था शनै? पिज्जा। और फिर शनै ये क्या कर रहा था ट्यूब में? उछल रहा था। शनै को वेव्स में बहुत मजा आ रहा था, राइट शनै? स्लिट। वैसे गाइस वीकेंड्स पे यहाँ पे 30 डिग्रीज था और यहाँ कनाडा में 30 डिग्रीज होना मतलब बहुत ही हार्श सन था और उसकी वजह से बहुत सन टैनिंग हो गई है। तो पर फिर भी एंजॉय करने गए थे तो सन टैनिंग की चिंता करके घर तो नहीं बैठ सकते, राइट? तो सनस्क्रीन भी यूज़ किया था, सब कुछ था। और ये देखो कितना क्लियर वाटर है। शंख चे शंख शैलो वाटर, बहुत शैलो वाटर है। और ये डैडी की ड्यूटी खत्म हो गई तो मम्मी के साथ खेलते हुए शनै अभी भी एंजॉय कर रहा था बीच में। और गाइस हम घर से लेके गए थे सैंड टॉय, तो सैंड में खेलना, सैंड कैसल बनाना, ये तो फेवरेट एक्टिविटी होती है बच्चों की। और ये जो एक्टिविटीज ये घर पे नहीं कर सकते, यहाँ जी भर के खेलते हैं। और ये सी ईगल शाम के वक्त को फिशिंग करते हुए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज फ्रॉम अल्बर्टा। थैंक यू, बाय।